काफ़ी अच्छी जाएगी आगे जाके, और लोगों को ताकि देखना चाहिए, काफ़ी अच्छे मंजे हुए कलाकार हैं, अच्छी फिल्म जाएगी और आप देखिए जरूर जी। सॉन्ग्स वगैरह फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो फिल्म इंटरवल के पहले अच्छी लगी या बाद में सेकंड हाफ अच्छा? इंटरवल के बाद काफ़ी अच्छी जी। कैसी लगी मैम फिल्म? बहुत अच्छी। हाँ सर, शानदार फिल्म थी, मतलब मजे ही आ गया मुझे तो सर। सेकंड हाफ के बाद स्पेशली कहूँगा जबरदस्त है सेकंड हाफ, बिल्कुल मतलब एक सेकंड के लिए भी आपको फिल्म बोर नहीं करती, पूरी तरीके से इंगेज रखती है आपको सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में कहूँगा कि थोड़ा सा किसी किसी को लग सकता है बोर, सभी को नहीं, एक अच्छी फिल्म है, देखी जा सकती है। वरुण धवन का काम शानदार है, कृति सरन अनिका बनी है, वरुण धवन का भास्कर का कैरेक्टर मतलब उन्हें नाम भी सही दिया गया, मतलब वो कॉमेडी वगैरह भी कर रहे हैं और फिर वो भेड़िया बन गए, वो सारी चीज़ें चल रही हैं तो ज़बरदस्त। मैं तो कहूँगा भैया वो अभिषेक बैनर्जी और दीपक डोबरियाल, वरुण धवन, दीपक डोबरियाल और अभिषेक बैनर्जी, इन तीनों ने भैया पूरी फिल्म को संभाला है, पूरी फिल्म मतलब इन्हीं के भरोसे आप, मैं तो कहूँगा इन्हीं ने पूरी फिल्म संभाली है, पूरा आपको बराबर हंसाते रहते हैं स्टार्टिंग से एंड तक भाई सारी चीज़ें, और फिर वो भी देखने को मिल रहा है भाई, सौरभ शुक्ला भी हमें देखने को मिलते हैं फिल्म में। कृति सैनन का लुक मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, वो तो देखिए ट्रेलर में कितनी बुरी लग रही थी, थिएटर में तो भैया और झिला ही नहीं रही थी वो, भैया इतनी अजीब सी लग रही थी, और ऊपर से वो एक्टिंग वगैरह भी उन्होंने कुछ खास की नहीं, और बस ये अच्छा है कि भैया उनका स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिटेड ही रखा गया है, तो ठीक है भैया ज़्यादा और से ज़्यादा दिखाते तो भैया फिल्म बुरी हो जाती। खैर एक अच्छी फिल्म है, वो दिखा रहे हैं किस तरीके से भैया वो दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ पर वो जंगल में से रोड निकालना है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर वहाँ के आदिवासी लोग भैया मान नहीं रहे हैं, वो पेड़ नहीं काटने दे रहे, अपनी ज़मीन नहीं दे रहे क्योंकि वो लैंड उनके नाम है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर वो भेड़िया काट लेता है वरुण धवन को, फिर वो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उसके बाद वो भैया भेड़िए की भी स्टोरी है, फिर वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आदिवासियों से भी रिलेटेड कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है और जंगल के बारे में भी, तो अच्छी फिल्म में देखी जा सकती है। 5 में से फिल्म को 4 स्टार्स दूंगा, मुझे अच्छी लगी और फैमिली के साथ इस फिल्म को देखा जा सकता है।